अभी मैं बनाऊंगी खाना, और खाना बना के उसके बाद जो है शायद मैं अपने गोद वाली मम्मा के यहाँ जाऊँगी, और क्योंकि कल परसों भावेश का बर्थडे भी था 7 तारीख को, उस दिन मैं जा नहीं पाई थी क्योंकि मम्मा नानी की यार तो शोर आ रहा है क्योंकि जब 4 लोग बैठे हो ना तो शोर तो होना ही है। छोड़ो, और बताओ क्या हाल चाल आपके। आई होप सबके बढ़िया ही होंगे, पर सबकी लाइफ में अप एंड डाउन तो चलते रहते हैं, थोड़ा बहुत तो चलना भी चाहिए वरना तो इंसान भूल ही जाएगा कि कोई दूसरा भी है इस दुनिया में। और अभी मैं बनाऊंगी खाना, उसके बाद देखती हूँ मैं क्या करती हूँ, और उसके बाद व्लॉग डालूंगी, और ये वाला व्लॉग आएगा कल, मतलब अभी आप देख रहे हो अभी तो आ चुका ये व्लॉग। शांति मिली है, नहीं डर लगे हटा दे जोजी। कौन आया ये हमारे पास? कौन है? क्या नाम है आपका? नंदनी। क्या? नंदनी। नंदनी? अच्छा आप तो नन्नू नन्नू बताते हो, नन्नू दूसरा नाम है आपका? इसका नाम है नन्नू। अच्छा इसका नाम है क्या नन्नू? अरे इसका नाम नन्नू है तो फिर आपका नाम क्या है? सफाई वाला काम मेरा पूरा हो चुका, अभी मैं बना रही हूँ खाना, उसके बाद नन्नू का नहलाना, फिर मैं भी नहा धो के, और हाँ आज मेरा सामान आ गया फाइनली, मतलब मेरा जो ऑर्डर किया हुआ था वो सब पार्सल भी, वो क्या है जयपुरी थे, और जो मम्मी भेज रहे हैं वो करवा चौथ के लिए सूट वगैरह, सो वो सब भी आने वाला है, अभी पापा लेने के लिए गए हुए हैं। अभी जैसे ही सामान आएगा मैं पहले तो मतलब इतना खुश हो जाती हूँ, और सब पहली चीज़ मुझे ना जो मैंने ऑर्डर किया था ना बस मुझे उसकी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि मतलब होता है ना क्यूरियस हो जाते हैं हम लोग। और अभी इन दिनों सेल भी चल रही है अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट मीशो, और मेरा जो था मीशो से था, और मीशो पे यार मतलब बहुत सही प्राइस में आपको होम डेकोर के लिए ड्रेसेस बहुत कुछ आपको मिल जाता है। सो यस अभी कुछ देर बाद मैं फ्री होके इस व्लॉग को कट। पार्सल इसके बहुत सारी टेप लग रही है, वो चूहा नन्नू वो मेरे सामान पे चूहा आ गया सोफे पे, वो चूहा चिपक क्यों नहीं रहा, उसको इतना मुश्किल हो रहा है। द फर्स्ट वन इज साड़ी वाला कॉम्बो, मतलब इसमें 2 साड़ियाँ थी, एक है ये मैरून आई, एक है ये पिंक काई, एक माय नहीं है इथे लामी लेऊं के, अरे नहीं थैला के अंदर ही है। तो इसमें कॉम्बो था, इसका मैं रिव्यू दूंगी, आज मुझे एक शूट भी करना है। सो अगेन ये क्या है सिंदूर, वो पाउडर वाला सिंदूर, और लिपस्टिक एक लिपस्टिक है, एक और लिपस्टिक, इनकी भी मैं रिव्यू करूंगी, और दो है एक, हाँ 2 लिपस्टिक है एक सिंदूर है, और ये है एक बेसर, और इसमें भी क्या है रुको इसको खोल के देखते हैं ना इसमें क्या है। वाओ अगेन 2 ब्लाउज है, मुझे कलर डिफरेंस लग रहा है यहाँ, मतलब पिंक वाली साड़ी का ये था बट ये थोड़ी डार्क लग रही है, लाइट लग रहा है, कोई बात नहीं इसका तो ये मैच हो रहा है थोड़ा, तो ना रिव्यू करेंगे जल्दी। एक पार्सल तो पूरा हुआ, दूसरा वाला खोलेगा नन्नू? हाँ। इसमें क्या निकलेगा? खुल गया, खुल गया, यस। इसमें क्या है, क्या हुआ इसमें? हाँ नाइस है ना, वाओ देखो कितने सुंदर सुंदर चश्मे आए हैं, है ना नन्नू? सुंदर सुंदर चश्मे आए ना। इसमें क्या है बताओ, क्या होगा इसमें? वाओ वाओ लाइट लाइट है ना, दिवाली पे लगाएंगे इसको ना,
लो इसको इसी में डाल दो वापस, आप है ना इनको इसमें डाल दो। ऐसे कैसे डाले थे? आज हम लोग है ना लाइट लगाएंगे, है ना। फिर क्या बनाएंगे हम? वीडियो। क्या बनाएंगे नुनु? वीडियो। वीडियो। और ये मीशो के ऑफर्स चल रहे थे, वो मैं उसका फाइनल रिव्यू दूंगी। सारे बहुत सारे 5 है। नाइस, बहुत क्यूट क्यूट, बहुत प्रीटी प्रीटी है यार। चलो ये तो बंद हुआ, इसको बंद मैं कर दूंगी। अभी इसमें देखते हैं क्या है, इसमें क्या है। ओ, इतना मोटा पैक किया हुआ है। इतनी सारी थैली यार, बैंगल्स पिंक कलर के। वाओ, क्या देखो, वाओ खोलना नहीं है, फिर अपन से पैक नहीं होगा। उन सबको खोलेंगे बाद में, खोलेंगे आज ना, वीडियो बनाएंगे ना तब खोलेंगे। लो मैं वापस इसी में रख दूँ। लो ये, हाँ वो बड़े लोग लगाते हैं। एक दिन में ये भी लाए थे, एक दिन में माउंडा से। माउंडा से क्या लाए थे? ऐसी जो तिलियन तो नहीं, छोटी वाली। हाँ ऐसी लाए थी मैं माउंडा से। छोटी वाली क्रीम लाए थे? ऐसी ऐसी वाली। हाँ अच्छा, और क्या लेके आए थे? और लाओ हाथ दो क्रीम, क्रीम इसको ऊपर करो बाजू को। ये शाबाश, तो बड़े बड़े नाखून कर रखे हैं नन्नू ने। नन्नू ने इतने बड़े बड़े नाखून कर रखे हैं। अरे नन्नू आप, मैं कौन हूँ? लगी हुई है इधर आपके। मैं कौन हूँ? तातीसा। तातीसा नहीं, ऐसा बोलो काकीसा। तातीसा का ता नहीं होता नन्नू, क्या होता है? नहीं बोलता सही से बोलो काकीसा। नहीं होता तातीसा, हमारे बाबू भी ऐसे ही बोलता है। पता आपको बाबू कौन है? आपने नहीं देखा बाबू को? आपका छोटा लाला। मेरा छोटा लाला निशु जीजा, वो निशु बुआ सा गया है वो। अभी आपके वहां पे गया था ना वो छोटा सा, आपके जितना देखा था आपने, निशु बुआ का है वो। और आज मैंने एक क्लिप किया जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक सो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत डिसेंट सा लुक क्रिएट किया मैंने, बहुत सोबर सा। और ये लुक क्रिएट करने का एक कोलैब था बेलोरा की तरफ से, ट्रस्ट में उनके सारे प्रोडक्ट्स ना, मतलब मैं पागल हो गया हूँ, इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उनके। और ये साड़ी भी एक कोलैब की थी, मीशो से मैंने ली थी। इसका भी हॉल वीडियो आएगा। आज मैंने शूट तो किया है पर बीच में लाइट नहीं थी, सो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई इस चक्कर में। बाकी देखते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि ये लुक आपको कैसा लग रहा है। मतलब कुछ लोग सोच रहे होंगे ससुराल में साड़ी पहन रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ रूम में हूँ और वीडियो के लिए मैंने साड़ी पहनी है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। माइंड से ऐसे थॉट्स निकाल दो, या दो चार बातें करनी है तो मुझे कुछ इतनी सारी चूही कितनी सफाई करनी है। मैं सोचूं किसी एक रूम की कर दूँ आज, क्योंकि दिन ब दिन निकले जा रहे हैं। फिर मुझे क्राफ्ट्स भी बनाने थोड़े से, और मेरा खुद का भी काम है। वो सब साफ करके भी मैं फ्री हूँ, अभी लगाऊंगी मेहंदी। और मुझे याद है लास्ट टाइम भी किसी व्लॉग में मैंने यही सूट पहन के मेहंदी लगाई थी, आज भी मैंने यही पहन लिया, पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरा मोस्ट फेवरेट, अच्छा हाँ लगा रहे हैं, मोस्ट फेवरेट सूट है। मेरा है दो बाल मेरा है,
आपकी मेहंदी मिट जाएगी। और दीदी बना रहे फ्रेंच फ्राइज। क्या हुआ नन्नू? अब हम लोग हो गए तैयार और करेंगे करवा चौथ की कहानी सुनने की तैयारी। और मेरा जो करवा रेडी है, मैं भी रेडी हूँ कहानी सुन के, देन उसके बाद करती हूँ व्लॉग। और कहानी वगैरह हमने सुन ली, थोड़ा सा लेट ही हो गया था, उसके बाद चाय वगैरह पी ली थी। माई सा भी बैठे थे, नानी सा भी आए हैं ना। और उसके बाद क्या किया याद ही नहीं है। अभी लहसुन वगैरह छील के रखूँगी, क्योंकि शाम को नन्नू जल्दी सो जाते हैं, इसलिए शाम को थोड़ा सा जल्दी बना लेंगे खाना, चूरमा दाल जो भी बनता है, चौथ पे तो यही बनता है। और तो भी मैं क्या करूँगी, अभी तो मैं कपड़े समेटूँगी। लिटरली आज तो सुबह से इतना जल्दी जल्दी हम लोग काम कर रहे हैं ना, फिर भी हम लोगों को 11:30 ही बज गए कहानी सुनते सुनते। इतना सारा काम हो गया, क्योंकि मम्मी को भी आज थोड़ा सा बाहर का काम हो गया, पशुओं की तरफ का। पापा जयपुर गए हैं इसलिए उनका काम भी फैल गया, वो भी काम में लग रहे थे, मैं भी लग रही थी, सो हम लोग हो गए लेट। अभी थोड़ा सा खींच रहे हैं हम फोटो लॉन में, थोड़ी बहुत तो अच्छी आई है, क्योंकि सेल्फ पोर्ट्रेट्स है सारी। और क्या हुआ क्या हुआ ये बात क्यूट है यार, बहुत बिल्कुल भी ज्यादा अनोइंग, मतलब ज्यादा कही अनोइंग नहीं है इसमें, कुछ कुछ तो बहुत हद तक मैनर्स है यार, बाकी बच्चों की जैसे नहीं है। आज तो सफाई करके भी हम लोग 5:15 बजे सॉरी 5:30 बजे फ्री हुए थे। फिर मतलब मैं तो बाहर, वो कचरे की बेल थी वो भीग रही थी, मैं धो रही थी ना उसमें, मुझे पता नहीं चला। फिर मम्मी ने मुझे कहा कि वो भीग गई सारी, मैं उसको उठाने जा रही थी, फिर मैं पाइप समेटने लग गई बीच में, नहीं तो फिर मम्मी ने उसको उठाई, वो साइड में रख रहे थे, मैं इतना बड़ा सांप निकला, मैं उठा लेती तो मम्मी को तो डर नहीं लगता, मैं तो पता ही नहीं क्या हो जाता। बस इतनी देर तक रोई हूँ मैं, इतना बड़ा सांप था। अच्छा मैं किसकी भी नहीं हूँ। आपके काकुसा का नाम क्या है? दीर है काकुसा। हाँ, उनकी ये याद रखो गुड़िया। अरे मेरा ओढ़ना कुछ और है, सूट कुछ और है, हालत ही ख़राब हो रही, पूरा दिन हो गया लगे हुए, झाड़ू झाड़ू झाड़ू, हाथ दुखने लगे धोने में धोने में जो तो के बाल कितने अच्छे हैं से, मैसी 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 है ना मेरा बाल। अब छोटी बनाऊंगी, छोटी बनाऊंगी, लो काजल डाल दो, रुको तो हटा दो इस तो। किसको हटा दूं, बालों को? लाओ नजर ही है क्या कहे रोए तो नहीं मैं, है ना? हाँ आप अच्छे बच्चे हो ना, इसलिए नहीं रोए। लाओ रुको, आंख मत हिलाना ना, इसलिए मैं आपसे इधर ही आई हूँ। क्या? इसलिए आपसे इधर आई हूँ। अच्छा इसलिए मेरे घर आए हो? हाँ। अच्छा मेरे घर क्या आए हो बताओ? खेलना, खेलने के लिए। हाँ। तो मैं क्या खेलती हूँ आपके साथ? बोलते साथ खेलना आती हूँ। अच्छा अच्छा, जाओ चोटी बना दो मेरी नन्नू रानी की, चोटी बना दो है नन्नू। आप तो कितने सुंदर लग रहे हो, मैं तो हूँ ही नहीं। आप भी अच्छा अच्छा